गुड़गांव का रहने वाला 13 साल का रणवीर सैनी बेहद खास है। छोटी सी उम्र में उसे ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, लेकिन रणवीर का जज्बा कम नहीं हुआ। रणवीर एक गोल्फर है और उसने अपने नाम कई खिताब कर लिए हैं, और अब वो रणवीर 2015 में होने वाले वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक की तैयारी में जुटा है। ये है सबसे छोटा भारतीय विश्व चैंपियन। 13 साल का रणवीर दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। वो चैंपियन गोल्फर होने के साथ साथ एक होनहार स्टूडेंट है। रणवीर ऑटिज्म से पीड़ित है, लेकिन ये बीमारी उसके जोश और काबिलियत के आड़े कभी नहीं आई। अब उसने अपने जज्बे से एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। 25 मई से 2 जून तक मकाऊ में खेले गए एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचे विश्व के 19 देशों के 120 बच्चों में से अपनी उम्र से बड़े बच्चों को हराकर फिर से विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। ये चैंपियनशिप रणवीर के साथ 2 और बच्चों ने जीती, जिनमें से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित था जबकि एक स्लो लर्नर था। इंडिया में 3 बच्चे लेके गए थे स्पेशल नीड्स गोल्फर मकाओ में एशिया पैसिफिक में, और ये तीनों बच्चों ने जाके बहुत अच्छा खेला। 19 कंट्रीज, 120 कंपिटिटर, स्पेन, साउथ अफ्रीका, कोरिया, चाइना, मलेशिया, इस सब चीज को हरा के 3 गोल्ड मेडल और टूर्नामेंट ट्रॉफी जीती। रणवीर ने 2013 में मकाऊ में हुए स्पेशल ओलंपिक गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल और 2 ट्रॉफी अपने नाम की। वो इस चैंपियनशिप का सबसे छोटा गोल्फर है, जिसके बाद रणवीर को लॉस एंजल्स में होने वाले स्पेशल ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। रणवीर की इन उपलब्धियों को देखते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रणवीर का नाम दर्ज हो गया है। जब कोच ने इसकी स्विंग देखी और बोला कि इसमें नेचुरल स्विंग है पर इसमें बहुत फोकस की जरूरत है, इस गेम में बहुत तकनीक की जरूरत है, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा, तो इस पर मेहनत करोगे तो ये करेगा। उसके बाद रणवीर जब खेलने लगा तो उसकी रुचि उसमें बढ़ती गई, उसका फोकस भी बढ़ने लगा। उसको बहुत खुशी होती थी गोल्फ कोर्स में जाने के लिए, क्योंकि गोल्फ कोर्स में खुला जमीन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, बतके हैं, मोर हैं, पानी है, तालाब है, उसको अच्छा लगता था। तो जैसे जैसे उसकी रुचि बढ़ती गई तो वो और खेलना शुरू कर दिया, और देखते देखते उसने 1.5-2 साल के अंदर इसके ऊपर माहिर बन गया, और आज हमें मुझे हरा देता है वो। रणवीर अब 2015 में होने वाले वर्ल्ड पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा है और हर हफ्ते 15 से 20 घंटे की प्रैक्टिस करता है। रणवीर को तैयार करने में जो मेहनत लगी थी वो शायद मेरे किसी स्टूडेंट को तैयार करने से कहीं ज्यादा थी। तो रणवीर मेरे पास करीब 4-4.5 साल पहले आया था। उसके पेरेंट्स रणवीर को एज अ स्पेशल चाइल्ड मेरे पास लेके आए थे, सिर्फ ये कोशिश करने के लिए कि क्या हम एक स्पेशल चाइल्ड को गोल्फ सिखा सकते हैं। मेरे को याद है उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आप ये मत फिक्र करो कि ये 3 महीने में 4 महीने में 6 महीने में सीखेगा, 2 साल में सीखेगा, हमारे पास 15 साल है सीखने के लिए। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रणवीर के जज्बे को पूरे देश का सलाम। गुड़गांव से मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।